हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 बिहार बोर्ड के मैथ का एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन करेंगे, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, बीज गणितीय क्वेश्चन है ना, पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या देके रखा है कि सरल कीजिए, या इसका मतलब देखिए, आपको साइन देके रखा है जोड़ और घटा का, आपको बस उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। तो हम बताए थे कि समान जो जातीय टर्म है उसमें क्या होता है कि जोड़ या घटा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार करेंगे, बहुत ही आसान सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x है ना, तो x वाले को x वाले के साथ एक जगह कर दीजिए, यानी 2x प्लस में है, 7x माइनस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस में, 7x माइनस में, कितना हो जाएगा, माइनस 5x, फिर माइनस 5x, फिर प्लस में 2x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x, यही होगा ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x, यानी बराबर कितना लिखेंगे, माइनस 3x। ठीक है, x वाले को एक तरफ कर दिए, अब y वाले को एक तरफ करेंगे उसी तरह से। देखिए माइनस 3y यहाँ पर है और एक यहाँ पर माइनस में y है, तो माइनस 3y और एक को माइनस y है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y हो जाएगा, कितना, माइनस 4y। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर देते हैं, कॉन्स्टेंट में सिर्फ क्या है आपका, 2 है, प्लस में 2, प्लस 2। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी नंबर में क्या देखिए रखा है, 5y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y² प्लस 6y माइनस 5। ठीक है, ये देखिए रखा है, तो देखिए y³, देखिए यहाँ पर y³ है, यहाँ पर ये नहीं कीजिएगा कि ये वाला और ये वाला समान सेम टर्म है, ये गलत बात है। देखिए यहाँ पर y पे पावर 3 है, तो y पे पावर 3 वाला ढूंढिए, नहीं मिला कहीं पर, तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे, 5y³ एक जगह आ गया। अब y² देखिए, माइनस 3y² एक वो यहाँ पर प्लस में 2y² है, तो माइनस 3y² प्लस 2y² कितना हो जाएगा, माइनस y² होगा, हुआ कि नहीं। और यहाँ पर देखिए प्लस 2y और प्लस 6y, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस 2y और प्लस 6y कितना हो जाएगा, प्लस 8y, प्लस 8y। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट टर्म बच गया, तो माइनस 5 और माइनस 1 और माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, सी नंबर देख लीजिए इसी तरह से। सी नंबर में देखिए क्या देखे रखा है कि 6a माइनस 3b प्लस सी, इधर क्या देखे रखा है, माइनस 6a प्लस 3b प्लस 7c। तो देखिए 6a, ए वाला को एक जगह कीजिए, 6a माइनस 6a, 6 में से 6 गया तो 0, यानी ये डायरेक्ट हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब b वाले को देखिए, माइनस 3b यहाँ पर है, माइनस 3b यहाँ पर है, तो माइनस 3b और प्लस, यहाँ पर प्लस 3b है सॉरी, तो माइनस 3b और प्लस 3b इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, बचा कितना c, देखिए यहाँ पर एक c, यहाँ पर 7c, तो 1c और 7c कितना हो जाएगा, 8c, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8c आंसर। ठीक है, बस यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर d देखिए, क्वेश्चन नंबर d भी इसी टाइप से है, क्या देख रखा है कि 8x² प्लस 5xy, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा क्लियरली, क्या दिख रखा है कि 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस 6y², तो x² को एक जगह कीजिए, देखिए 8x² और 3x² कितना हो गया, 11x², क्या हो जाएगा, 11x², ये होगा है ना। अब y² को एक जगह कीजिए, 3y² एक जगह है ना, यहाँ पर पहले xy वाले को करते हैं, यहाँ पर 5xy है और यहाँ पर प्लस में 2xy है, प्लस 5 और प्लस 2 कितना हो गया, प्लस 7xy। ठीक है, अब y² वाले को एक जगह कर देंगे, y² प्लस में और माइनस में 6y², प्लस में 3y² माइनस में 6y², तो कितना हो जाएगा, माइनस 3y². ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस यहीं तक के लिए आज, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।